Myself विनय पांडे स्टूडेंट्स आज जो मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ वो है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स मैकेनिक्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन रेक्टिलिनियर मोशन में वेरिएबल एक्सेलरेशन के कुछ वीडियोस हम पहले ही देख चुके थे. उन वीडियोस में हमने लीनियर मोशन के बारे में डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स किए थे. आज जो वीडियो हम रेक्टिलिनियर मोशन का ही एक टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन. सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप 11 12 से पढ़ते आ रहे हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में एक डायग्राम बन जाता है पेंडुलम का. पेंडुलम का जो मोशन होता है वो इस तरीके से रोटेट होते रहता है, आगे बढ़ेगा फिर दोबारा से इसी पॉइंट पे आता है. ये इस तरीके से जो मोशन होता है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते थे, जिसमें एक रेगुलर टाइम इंटरवल में पार्टिकल जो मोशन था वो दोबारा से उस मोशन को रिपीट करता है, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते थे. जिस पॉइंट की ओर ये मोशन होता था उसको सेंटर ऑफ फोर्स कहा जाता था. मैथमेटिकली थोड़ा सा डेफिनेशन, हम क्योंकि रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं तो रेक्टिलिनियर मोशन में हम पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है. तो डेफिनेशन को आप देखिए, डेफिनेशन क्या है, द काइंड ऑफ मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. पार्टिकल का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होगा, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट. अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया इस पॉइंट की ओर जो मोशन है उसका हमेशा डायरेक्टेड रहेगा. इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ फोर्स. ये पॉइंट ओ हो गया. एंड वेरीज एज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल. ये लाइन आपको याद रखनी है सिंपल हार्मोनिक मोशन को. मैथमेटिकली अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेशन आपको ये ही यूज करनी है कि जो एक्सेलरेशन है वो किस तरीके से प्रोपोर्शनल है उसके. वेरीज एज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट. ये आपको लाइन याद रखनी है कि जो एक्सेलरेशन है वो उसके डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल रहेगा. अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. और ये एक्सेलरेशन कैसे प्रोपोर्शनल है इसके डिस्टेंस के, एक्स के. तो अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यहाँ पे तो एक कांस्टेंट आएगा. इस पूरे सिंपल हार्मोनिक का हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं. डेरिवेशन के लिए आप ध्यान रखिए, ये पॉइंट हमने ए ले लिया और पार्टिकल का जो मोशन है इस सेंटर ऑफ फोर्स की ओर डायरेक्टेड है. एक पॉइंट पी ले लिया और इस पी पॉइंट के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है और ये जो ये डिस्टेंस है स्मॉल ए. सपोज मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इधर को आ रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन है, लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं. इनिशियली रेस्ट पे रहा होगा, सेंटर ऑफ फोर्स की ओर आ रहा है. डिस्टेंस का जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ फोर्स से होगा. डिस्टेंस हमेशा सेंटर ऑफ फोर्स से मेजरमेंट उसकी की जाएगी. तो ओ से बाकी जो डिस्टेंस है वो हम ओ से मेजरमेंट करेंगे. इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है. अब देखिए, अब इधर को पार्टिकल अगर आ रहा है तो एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. और एक्स डिक्रीज होता है तो मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन जो आप बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन जो मोशन की बनाएंगे उसमें निगेटिव का साइन आएगा, हमने पहले भी देखा था. तो ये माइनस का साइन लेना पड़ेगा और इसके साथ साथ एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आएगा. अब इस इक्वेशन से हमको इसके जितने वेरिएबल्स हैं उनमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. आपको याद होगा हमने क्या किया था, इसमें मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टू डी एक्स अपॉन डी टी एंड इंटीग्रेटिंग. पहले के वीडियो में काफी टाइम्स में आपको बता चुका हूँ कि अगर इसको 2dx अपॉन dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाता है dx अपॉन dt का स्क्वायर माइनस म्यू. x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. प्लस एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट क्या आएगा, कैपिटल A. अब हम बात करें एट पॉइंट, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट को A1 ले रहा हूँ मैं, क्योंकि A हमने यहाँ पे लिया हुआ है. एट पॉइंट A, इस A पॉइंट पे x कितना है, A है. और इस ये dx अपॉन dt का रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, तो इसको v स्क्वायर मान लेते हैं. तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो है. ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये जीरो हो गया माइनस म्यू, ये a स्क्वायर प्लस a1. तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का म्यू
ए स्क्वायर, इस ए वन की वैल्यू को हमको यहाँ सब्सिट्यूट करना है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये ए वन को पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, दोनों में म्यू कॉमन आ रहा है और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी जो है विच रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अगर हमको निकालनी है तो वो वेलोसिटी ये आ रही है। अब अगर हम कुछ इसमें बात करें कि वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी कब मिनिमम होगी, ये जो v स्क्वायर वाला टर्म है ये पूरा टर्म सबसे बड़ा कब आएगा, जब ये वाला टर्म सबसे छोटा होगा, क्योंकि a स्क्वायर से जितना हम कम माइनस करेंगे उतना बड़ा ही रहेगा। तो ये v स्क्वायर की सबसे बड़ी वैल्यू कब आएगी, जब x क्या होना चाहिए जीरो, व्हेन x इज जीरो तब इस वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और उस केस में वेलोसिटी आएगी कितनी, म्यू ए स्क्वायर। तो इसका मतलब जब x जीरो है ये सेंटर ऑफ फोर्स पे आपको कैसी वेलोसिटी मिल रही है, मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रही है, ये आप याद भी रखिएगा। और ये जो वी स्क्वायर है मिनिमम कब आएगा, जब ये ए स्क्वायर ये दोनों बराबर हो जाए ताकि कैंसिल हो जाए, तो जब एक्स की वैल्यू ए रहेगी तो उस केस में वेलोसिटी क्या आएगी, मिनिमम आएगी, और वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है, ये ध्यान रखिए आप, जिस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मिनिमम आ रही है वो पॉइंट ए है, और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है और वो पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ फोर्स। तो ये हमको वेलोसिटी से डेरिवेशन इसका मिल गया। तो ये हमने वी और एक्स में रिलेशन फाइंड किया, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसका स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना आएगा, रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है प्लस माइनस का साइन इसमें आता है, लेकिन हम माइनस का साइन क्यों लेंगे, माइनस का साइन लेने का रीज़न क्या है, आपको पहले के जो डेरिवेशन थे वहाँ भी मैंने बताया था कि माइनस का साइन लेने का मतलब है कि जो पार्टिकल का मोशन है वो एक्स के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, तो हमको यहाँ पर जो मोशन है वो माइनस पर लेना पड़ेगा। तो जो t की वैल्यू आएगी, सॉरी dx अपॉन dt जो आएगा वो आएगा माइनस का रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, dx अपॉन सॉरी इसका स्क्वायर रूट भी आएगा, ये भी ध्यान रखिए आप, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dt को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और माइनस का रूट म्यू हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपॉन रूट म्यू, और माइनस के साथ अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए बन जाएगा, और ये टी प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बी। फिर से व्हेन टी इज जीरो, इनिशियली टी जब जीरो है तब एक्स कितना है, जीरो, और एक्स जीरो अगर हम यहाँ रखेंगे तो देखिए अब कितना आता है, कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, टी जब जीरो था, टी यहाँ पे जीरो इनिशियली, और इस इनिशियल पोजीशन पे एक्स जो डिस्टेंस है वो जीरो ना होकर के क्या है, ए है, तो एक्स की जगह पे क्या आएगा, ए। तो कॉस इनवर्स वन क्या होता है, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो बी कितना आ जाएगा, जीरो, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट बी जीरो आ गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए आप, वन अपॉन रूट म्यू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू क्या आ गया, टी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ये आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए कॉस रूट म्यू टी। तो ये रिलेशन किस में आ गया, एक्स और टी में रिलेशन हमने निकाल दिया, कि अगर आपको कोई भी टाइम पे डिस्टेंस उसके निकालनी है तो डिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो ये एक्स और टी में रिलेशन हमने निकाल दिया, और इससे पहले हमने उसकी वेलोसिटी में रिलेशन निकाला था। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो अलग अलग टर्म्स में रिलेशन था वो रिलेशन हमने फाइंड किया। बस आपको एक डायग्राम याद रखना है, डेफिनेशन याद रखनी है, और अगर आपको
ये डायग्राम क्लियर है तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप बना सकते हो और उनको फिर इंटीग्रेट करके आपको अलग अलग वेरिएबल में रिलेशन फाइंड करना है, वो इजीली हम निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसका मोशन डिस्कस किया है, अलग अलग वेरिएबल में रिलेशन फाइंड किए। कुछ टर्म्स हैं जो आपने पहले भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़े होंगे, उन टर्म्स को देखते हैं। एम्पलीट्यूड, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो सबसे ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, उसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इस मोशन में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस क्या है, एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, स्मॉल ए, ये सबसे बड़ी डिस्टेंस है। इससे सबसे बड़ी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। पेंडुलम के केस में क्या होता है, अगर पेंडुलम इतना मोशन कर रहा है, यहाँ तक जा रहा है फिर यहाँ से वापस आ रहा है, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल ए। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है टाइम टेकन टू मेक वन कंप्लीट ऑसिलेशन पार्टिकल। सपोज फिर से पेंडुलम का अगर मैं एग्जांपल लूं, ये पार्टिकल यहां से आया, पेंडुलम यहां से आया, फिर दोबारा यहां गया, तो ये यहां से यहां आके दोबारा वापस जाने में जो पूरा यहां से आने के बाद यहां जाना, इसको एक एक कंप्लीट ऑसिलेशन बोला जाता है। तो इसमें एक कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होगा, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर दोबारा से यहाँ करके यहाँ आएगा, तो उसको कंप्लीट ऑसिलेशन एक माना जाएगा, एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। पहले यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालते हैं। आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक आने में एक्स कम होता जा रहा है, यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल रहे हैं, कहाँ से, ए से ओ तक का टाइम निकाल रहे हैं, तो एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू ए कॉस रूट म्यू टी, ये जीरो हो जाएगा। कॉस इनवर्स जीरो क्या होता है, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट म्यू टी, तो टी कितना आ जाएगा, पाई बाय टू रूट म्यू। तो ये कौन सा टाइम है, ए से लेकर के ओ तक आने का जो टाइम है वो इतना है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ और दोबारा यहाँ, तो कितने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, फोर इंटू पाई अपॉन टू रूट म्यू, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो टू पाई अपॉन रूट म्यू, ये किसका फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन वन सेकेंड, एक यूनिट टाइम में वन सेकेंड में जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहें तो फ्रीक्वेंसी एफ या एन से रिप्रेजेंट होती है, इसका फॉर्मूला टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, वन अपॉन टाइम पीरियड, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रूट म्यू अपॉन टू पाई। एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा जो डिस्प्लेसमेंट था, टाइम पीरियड क्या था, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लग रहा है वो, फ्रीक्वेंसी क्या थी, वन सेकेंड में जो नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन हो रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे थे, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में आज पढ़ा, जिसमें हमने इसके अलग अलग टर्म्स के बीच में रिलेशन फाइंड किया और इन डेफिनेशन को देखा। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करें, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।